राजस्थान विधानसभा का रण इस समय जोरों पर है। वहीं सीपी जोशी यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। वे हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी का जो चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया। उस मौके पर सीपी जोशी वहां पहुंचे हैं। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को जनता नकार रही है और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। वहीं पूरे प्रदेश में भाजपा के बागियों को मनाने का भी प्रयास लगातार जारी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन लगातार दोनों ही मुख्य पार्टियां अपने अपने जोर की आजमाइश कर रही हैं। देखिए, राजस्थान में 2018 में जिस गारंटी और मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, ना तो वो किसानों का कर्जा माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, ना ही वो महिलाओं को सुरक्षा दे पाए और ना ही महंगाई को नियंत्रण में रख पाए। आज इसीलिए कांग्रेस की गारंटी फेल हो गई। कांग्रेस की गारंटी को राजस्थान की जनता मानने को तैयार नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा एक दिन की यात्रा के बाद उनको स्टॉप करना पड़ा। ERCP की एक दिन की यात्रा के बाद उनको विराम लगाना पड़ा, क्योंकि राजस्थान की जनता को अब कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास रहा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कमल के निशान के ऊपर, कि उनको विश्वास एक डबल इंजन की सरकार बनेगी, युवाओं के सपनों को उड़ान मिलेगी, किसानों को समृद्धि मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, राजस्थान का विकास होगा। और जिस प्रकार से राजस्थान में तुष्टिकरण चरम पर पहुंचा है, राजस्थान कभी तालिबान नहीं बना सकते कांग्रेस, और जिस प्रकार से तालिबानी फरमान पिछले 5 साल में निकले हैं वो राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए 2023 में कमल खिलेगा और भाजपा पे जनता का विश्वास है, और राजस्थान में 2023 में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हर चुनाव में ये स्थिति आती है, लेकिन हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है, तो पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारी डैमेज कंट्रोल टीम, सब लोग मिलकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सब लोग पार्टी परिवार के साथ आए। विशाल परिवार है, आने वाले समय में और भी कई दायित्व, और भी कई चुनाव, सब जगह कहीं न कहीं व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है, तो हम लोग विचार के साथ चलें, कमल के निशान के आधार पर चलें। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आने वाले इन 2 दिनों में सबको इस परिवार के साथ जोड़ने का काम करें। जिस तरह आपके, देखिए, निश्चित रूप से मैंने स्वयं भी बात की है, चूंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, मेरे लिए जो भी काम मैंने उन सब चीजों को बोलता हूँ, उनको मैंने आग्रह किया कि आइए हम सब लोग मिलकर कमल के लिए काम करते हैं। आने वाले समय में बहुत लंबा समय है, मुझे जो काम है उन सबको बोलता हूँ, लेकिन उन सबको आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब लोग पार्टी का काम करें। आने वाले समय में और भी कई जिम्मेदारियाँ, और भी कई चुनाव है, सब जगह हर व्यक्ति का कहीं कहीं दायित्व निर्वहन होगा, इसलिए हम सबको आग्रह किया है और आज भी आग्रह करता हूँ कि आइए आप और हम सब लोग पार्टी को चुनाव को जिताने के लिए। हम लोग जो इस्तीफे दिए गए बड़ी संख्या में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बात करेंगे पार्टी फोरम पर। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक चुनाव में, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड सारे निर्णय लेता है और हर चुनाव में कहीं कहीं रिवील होता है, कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से जहाँ सत्ता आती हुई दिखाई देती है वहां सबको लगता है कि मेरा वहां हक बनता है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जहां निर्णय करता है, शीर्ष नेतृत्व जहां निर्णय करता है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको, क्योंकि ये पार्टी परिवार है, हम विचारधारा के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हम पार्टी को मानने वाले लोग हैं, कमल के निशान को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं, हमारी डैमेज कंट्रोल टीम भी काम कर रही है कि सब लोग मिलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री पताका फहराने के लिए हम सब लोग साथ आए।